লাইভ হয়ে গেছে চ্যানেল কয়টা চ্যানেল কই দিছো উপরত সাইলেন্ট মোড বলি আছে না না কি সাইলেন্ট করব হ্যাঁ হবো এ আই লাইভ রে কামা এই আই এসে লাইক শেয়ার করাবি লাভ কইতো নয় না হইতা তুমি বল গন্ডগোল কইবা জান পাও তোমার তো কেটে বেছে চাইটা পুরো বেছে দেজি আহমেদ হ্যালো কোয়া এটা বলি দিয়া না যাও তুমি এটা হানে নি हेलो 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 एवरीवन नमस्ते हेलो सब लोग कैसे हैं हेलो अच्छे है ना हेलो एवरीवन अच्छे है ना सब लोग थैंक यू हेलो एवरीवन आज मैं अमूल पेज में लाइव आया हूँ लाइव आया हूँ इसलिए मैं सभी लोगों को बहुत बहुत प्रणाम कहना चाहती हूँ आज मैं तीसरी बार अमूल पेज में लाइव आया हूँ मेरा सौभाग्य है तीसरी बार आने के लिए और डेजी एन डेजी मैम और मिताली मैम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है और अभिषेक सर और खुशबू मैम को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है लाइव आने के लिए आज अमूल के बारे में ये लोगो हम पहले से बोल चुकी हूँ मेरे बेटी ने बनाया है ये अमूल लोगो अमूल के बारे में क्या बताओ अमूल बहुत अच्छा एक ब्रांड है इंडिया में एक ही बहुत अच्छा ब्रांड है और अमूल प्रोडक्ट यूज करके हम सभी हर किचन में हम खाना बनाती है मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है अमूल के चीज अमूल के बटर अमूल के घी ये यूज करके हम हर रोज किचन में खाना बनाती है आज मैं आप लोगों के लिए दो रेसिपी ले आई हूँ एक है हम बनाऊंगी वेजिटेबल पनीर चीज रोल और एक बनाऊंगी मूंग दाल की खीर अमूल दूध यूज करके हम मूंग दाल की खीर बनाएंगे और एक कुल कॉफी अब मैं आपको बताती हूँ ये वेजिटेबल पनीर चीज रोल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमको आपको बताती हूँ इसमें हम मैदे का डो हम पहले से ही रख लिया था बना के क्योंकि डो आधा घंटे के ये रेस्ट देना चाहिए और ये है गोभी के पत्ते हैं स्टफिंग देने के लिए और ये स्वीट कॉर्न है और ये गाजर है हम ग्रेन में ग्राइंड कर लिया है मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये है कैप्सिकम है छोटे छोटे पीस कर रख दिया था हम और ये है अमूल सीजे हम छोटे छोटे पीस करके रख दिया है और ये टमेटो
ये टमाटो है, ये भी हम छोटे छोटे पीस करके यहाँ में रख दिया है। और ये प्याज है, इसको भी हम छोटे छोटे पीस करके रखा है ये स्टफिंग देने के लिए। और ये है टोमेटो सॉस, ये टोमेटो सॉस हम रखा है। और ये है चिली सॉस, और ये है सया सॉस स्टफिंग में देने के लिए। अब मैं और बनाऊंगी, हम ये मूंग दाल का खीर बनाऊंगी। ये मूंग दाल हम पहले से ही बॉईल कर थोड़ा सा बॉईल करके रख दिया था। और ये काजू है, काजू है। और ये गुड़ है, गुड़ के साथ बनाऊंगे हम, हेल्दी है ये गुड़। और ये रेसिपी भी खीर में, खीर भी बहुत हेल्दी है। ये पिस्ता है, और ये इलायची, इलायची है हम थोड़ी ग्रेंड करके रखा है। और ये ऑयल है, और ये अमूल दूध, अमूल दूध हम पहले से ही ये गर्म करके रख दिया था इस बाउल में। अब मैं पहले बनाऊंगी वेजिटेबल पनीर चीज रोल, पहले से हम बनाऊंगी। इसके लिए हमको पहले, इसके लिए हमको पहले गैस ऑन करके रखा है हम, फिर उसमें हम देंगे थोड़ा सा बटर, देंगे थोड़ा सा बटर इसमें हम, इसमें थोड़ा सा बटर दे दूंगी। अब हम इसमें पहले डालेंगे, अब हम इसमें पहले हम थोड़ा सा गोभी के पत्ते डालेंगे। गोभी के पत्ते थोड़ा सा फ्राई करूंगी। अब हम इसमें डालूंगी थोड़ा सा कैप्सिकम डालूंगी। अब इसमें डालूंगी हम टमाटर, टमाटर डालूंगी। सभी लोग मुझे देख रही है ना, मैं कमेंट नहीं दे सकती, बाद में दे दूंगी सबको। और हम इसमें डालेंगी स्वीट कॉर्न, 2 चम्मच स्वीट कॉर्न डालूंगी। अब ये गैस ऑन करके हम गैस ऑन करके हम रोल के लिए तेल गरम कर लेंगे। अब इसमें हम डालनी है गाजर, गाजर डालूंगी
दो चम्मच गाजर डालूंगी, हल्का सा फ्राई कर रहा हूँ, और थोड़ा सा नमक डालूंगी, थोड़ा सा नमक। नमक डालने के बाद हम इसको अच्छे से लड़ा के फ्राई करूंगी। अब हम इसमें डालना है अमूल पनीर, अमूल पनीर डालना है, ये अमूल पनीर है। ये हमने छोटा छोटा पीस करके इसमें दे दूंगी, बहुत अच्छा है अमूल पनीर, खाने को बहुत अच्छा लगता है। इसको हम छोटा छोटा पीस करके यहाँ में डाल दूंगी। ये अमूल पनीर हम इसमें डाल रहा है, इसको हम अच्छे से फ्राई करूंगी। अब हम दूसरी कढ़ाई में गरम होने के लिए ये रिफाइंड ऑयल देती हूँ। और उसके साथ में अमूल घी को भी थोड़ी अमूल घी इसमें डाल दूंगी। अच्छा लगेगा स्वाद। ये हमने थोड़ा सा घी डाला है फ्राई करने के लिए। अब हम इसमें डालना है थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी स्टफिंग के लिए। और हम इसमें डालूंगी ये चिली सॉस स्वाद के लिए। चिली सॉस डालूंगी, 1.5 चम्मच चिली सॉस दिया है हमने, और हमने दिया है ये टमेटो सॉस, हमने 1.5 चम्मच टमेटो सॉस दिया है इसमें। अब इसमें और हमको देनी है, यहाँ पे हमको देनी है प्याज हमको देना है। हमने प्याज 3 चम्मच दे दिया है। ये बहुत स्वाद होता है ये स्टफिंग रोल के लिए, रोल में। अब इसमें डालना है हमको चीज डालूंगी, इसमें को चीज डालूंगी
ग्रेन करके रखा है पहले से, चीज देने में बहुत स्वाद होता है। टाइम मेंटेन करी बहुत। और हम ये आटे के मैदे के, आटे नहीं है मैदे है, मैदे के डो को हम बेलकर रोल को फ्राई करेंगे। अब हम इसको खीर के लिए दूध गर्म कर लेती हूँ। अब हमको ये दूसरी कढ़ाई में इस टॉपिंग को ले रही हूँ रोल के लिए। अब हम बनाएंगे आटे के, ये आटे के दो हम बेलेंगे। ये आटे के दो सब लोग देख रहे हैं ना मेरे लाइफ को, मैं बाद में कमेंट दूंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ा सा ब्रश ब्रश के साथ ऑयल लगाऊंगी। अब उसमें हम थोड़ा सा स्टफिंग दे देंगे, थोड़ा सा स्टफिंग देंगे और दूध गर्म होने के तक हम इसमें मूंग दाल की दे देंगे। हम इसको मैदे की खोल के साथ बंद करके ये साइड में लगाऊंगी बंद करने के लिए। अब हम ये दोनों साइड बंद करके थोड़ा सा बंद करके ये रोल हम बनाएंगे। और हम डीप फ्राई में फ्राई करेंगे। अब हमको दूसरी रोल बनाना है, जल्दी जल्दी बनाना है नहीं तो टाइम नहीं पाऊंगी। ओके मैम, अब मैं दूसरी रोल को स्टफिंग देती हूँ।
अब हम इसको साइड को बंद करके इस साइड को बंद करके क्या बन रहा है वैसे? क्या बन रहा है? पुतिमा हम वेजिटेबल रोल बनाए हैं, पनीर सीज वेजिटेबल रोल। पुतिमा जी, पुतिमा पुरी, पुतिमा जी, हम वेजिटेबल रोल बनाए हैं। खीर बनने में ज्यादा टाइम लगती है, इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही हूँ। और एक हम रोल बनाएंगे, शायद इसमें हम बना रहा है बिल्कुल। ये हम खीर बनाया है, रूनो सुडोरी हम खीर बनाया है, मूंग दाल का, मूंग दाल का खीर बनाया। और इसमें हम पिस्ता डालूंगी, थोड़ा सा पिस्ता डाल रही हूँ। ये अब हम इसमें डालेंगे गुड़ डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। ये खीर बहुत अच्छा स्माइल आया है, मूंग दाल का खीर बहुत ही हेल्दी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। अब मैं और एक रोल बनाऊंगी, मूंग दाल जैसे भात को दिया, मूंग दाल जैसे भी दिया। अब इसमें हम मूंग दाल लिया है, थोड़े से थोड़ा बॉईल करके मूंग दाल लिया है। और एक रोल बाकी है, जल्दी जल्दी बनाती हूँ नहीं तो टाइम सेस हो जाएगा। अब इसको मैं स्टफिंग देती हूँ, इतना अच्छा कलर हुआ है ना खीर की, खीर के। अब मैं इसको स्टफिंग देती हूँ। हेसी दी दिया
कमा से और एक रोल बाकी है, जल्दी जल्दी बनाती हूँ। हमने पेस्ट नहीं किया, बॉईल करके पेस्ट नहीं किया, ऐसे ही दे दिया। बोलो। हाँ, बॉईल करके दे दिया है हम, पेस्ट नहीं किया, पेस्ट नहीं किया है। ऐसे ही दे दिया है हम मूंग दाल को। सभी लोग देखती है ना, आपका हिंदी क्यूट है, हिंदी ज्यादा नहीं बोल पाई हूँ इसलिए थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। तो भी बोलता हूँ, बोलने के प्रयास करता हूँ। जब भी बोलता हूँ, मेरी बेटी, मेरे बेटे ने हिंदी अच्छा बोला है क्योंकि वो लखनऊ में पढ़ता था, उन्होंने मुझे सिखाया है हिंदी, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने। आज वो नहीं है घर में, थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू बोलती हूँ। देखते रही है हाँ मेरा लाइफ। और एक रोल बनाऊंगी, হয় মেম হাজবেণ্ডে ধুনীয়াকে বুজাই দিছে, মানে লড়া বেটা নেহি হে না ইসলিয়ে। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, नहीं तो मैं ये नहीं आ पाऊंगी, इसी जगह नहीं आ पाऊंगी। एक लीटर में हाफ लीटर लिया, ये दूध हम अमूल दूध, अमूल स्प्रे दूध हम लिया है, डेढ़ कप लिया है अमूल स्प्रे हम यूज कर रहा है, ये अमूल स्प्रे हम यूज कर रहा है, ये मूंग दाल 100 ग्राम, 50 ग्राम, वैसे वैसे। और हमने ये छोटा रोल बनाया है, हम इसको दोनों साइड बंद करके अच्छे से रोल कर लिया है, ये वाला छोटा रोल है हमारा। खीर तैयार हो गया है, हम ये थोड़ा थोड़ा प्लेटिंग करती हूँ।
ये खीर हो रहा है। इतना अच्छा कलर है, देखिए बहुत ही हेल्दी भी है ये। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। बहुत अच्छा हो रहा है। ये हम प्रेजेंटेशन के लिए एक बाउल में सजाती हूँ, ये बाउल में सजाती हूँ। ये बहुत ही अच्छा खीर बना है, देखने में तो अच्छी है, खाने में भी अच्छी लगेंगी ये खीर हमने तैयार कर लिया है ये खीर। और हम उसमें थोड़ा सा चेरी देगी, दो चेरी दे दिया है हमने। अब हम पहले से ही ये कॉफी बनाकर फ्रिज में रख लिया था, कोल्ड कॉफी बना के रख लिया था ये कोल्ड कॉफी। अब उसमें हम थोड़ा सा आइसक्रीम भी डालेंगे और थोड़ा सा कॉफी, इसमें इसके ऊपर ये कॉफी देती हूँ, बहुत स्वाद होती है देने में। अब हम इसको ये अमूल कूल डालूंगी, थोड़ी सी अमूल कूल डालूंगी, ये थोड़ा सा अमूल कूल डाला है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम। इसे बनाए दफा डाली बच्चे। ये चार रोल हमने तैयार कर लिया है और इसमें हम आइसक्रीम डालेंगे। अब हमारा ये खीर तैयार हो गया है। ये हमने रोल बनाया है, ये प्रेजेंटेशन है रोल की, ये रोल की प्रेजेंटेशन है ये। और ये है मूंग दाल का खीर और ये कोल्ड कॉफी। ये हमने प्रेजेंटेशन क्या है काजू और पिस्ता के साथ प्रेजेंटेशन क्या है। अब हम इसको दोनों हाथ में लेके आपको दिखा रही हूँ कैसे हुआ हमारा दो रेसिपी। अब हम आपको सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने आप लोगों ने हमारा लाइव देखा है, बहुत अच्छा लगा है हमें। हमें तीसरी बार अमूल बेस में लाइव आने के लिए बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ डेजी मॉम मिताली मैम को भी और खुशबू मैम को और अभिषेक सर को भी। नमस्ते, मेरा लाइव खत्म हो गया है, बाय बाय।